प्यारे मित्रों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए फाउंडेशन से रिलेटेड बोर्ड पर एक क्वेश्चन नोट है, उसके बारे में स्टडी कराएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है क्या, राइट शॉर्ट नोट ऑन पाइल फाउंडेशन। देखिए पाइल फाउंडेशन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाइल फाउंडेशन। देखिए पाइल फाउंडेशन देखिए ये पाइल फाउंडेशन कॉम्स इन कैटेगरीज ऑफ डीप फाउंडेशंस। देखिए पाइल फाउंडेशन आर स्लेंडर कामा सर्कुलर मेंबर ऑफ टिम्बर कामा हालो पाइप्स आर सी सी कामा आइदर ड्राइवेन आर कास्ट इन सी टू ड्यू टू सलेंडरनेस पाइल आर नॉट यूज्ड इन दोज ब्रिजेज वेयर Scouring are involved. Piles are classified as under फर्स्ट है। देखिए बेस्ड ऑन लोड इसमें जो है फर्स्ट जो पाइल आता है फ्रिक्शन पाइल it transfer load जो बी टाइप का पाइल है बियरिंग पाइल
wearing pile. It transfer load by bearing जो C टाइप का पाइल है wearing कम friction pile देखिए it transfer load by skin friction and end bearing देखिए जो सेकंड टाइप का फाइल है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मेथड देखिए फर्स्ट जो है इसमें ड्राइवेन प्रीकास्ट पाइल और जो सेकंड है ड्राइवेन कास्ट इन सी टू पाइल देखिए जो सी टाइप का है बोर्ड कास्ट इन सी टू पाइल एंड कॉम्पैक्ट पाइल देखिए थर्ड टाइप का जो पाइल है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखिए इसमें जो ए है टिम्बर पाइल देखिए जो बी है वो स्टील पाइल और देखिए जो सी है आरसीसी पाइल देखिए अब हम आपको लेंथ ऑफ पाइल के बारे में लेंथ ऑफ पाइल कास्ट इन सी टू पाइल्स कैन बी formed any desired length. The length of
ड्राइवेन पाइल्स नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 25 to 30 meter depending on the capacity of the driving equipment. तो देखिए ये शॉर्ट नोट ऑन पाइप फाउंडेशन. देखिए पाइप फाउंडेशन जो है ये जो पाइप फाउंडेशन है ये जो डीप फाउंडेशन. देखिए एक होता है सैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन. तो ये डीप फाउंडेशन के कैटेगरी में आता है. और जो नियर अबाउट मैं बता दूं जो मेजर ब्रिजेज जनरली जो है ये डीप फाउंडेशन के अंदर आते हैं. और वे जो है या तो पाइल के द्वारा या तो वेल पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. तो ये जो है पाइल भी जो है देखिए डीप फाउंडेशन के कैटेगरी में आता है. अच्छा देखिए एक्चुअल में पाइप फाउंडेशन आर सिलेंडर सर्कुलर में वर ऑफ टिम्बर हालो पाइप आरसीसी. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो है जो पाइप फाउंडेशन है वो सिलेंडर सर्कुलर मेंबर ऑफ टिम्बर का जो है सर्कुलर मेंबर हालो पाइप आरसीसी मतलब ये टिम्बर के भी हो सकते हैं. ये ध्यान रखिएगा हालो पाइप भी हो सकता है और आरसीसी का भी हो सकता है. इसके अलावा देखिए ये सिलेंडर माने देखिए बहुत पतला छरहरा जिसको कहते हैं. चलिए आइदर ड्राइवेन आर कास्ट इन सीटू इसको जो है देखिए एक्चुअल में या तो ड्राइवेन मेथड या कास्ट इन सीटू मेथड से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है. देखिए ड्यू टू सिलेंडर नेस पाइल्स आर नॉट यूज्ड इन दोज ब्रिजेज वेयर स्काउरिंग आर इन्वॉल्व्ड. भाई देखिए जहां स्काउरिंग की पॉसिबिलिटी होती है वहां पर ये जो सिलेंडर पाइल है वह नहीं बनाया जाता है. ध्यान दीजिएगा. अच्छा देखिए पाइल आर क्लासिफाइड एज अंडर. देखिए तो उसका क्लासिफिकेशन क्या है तो फर्स्ट जो है बेस्ड ऑन लोड. तो बेस्ड ऑन लोड में जो फर्स्ट पाइल है देखिए फर्स्ट टाइप का पाइल है फ्रिक्शन पाइल. तो फ्रिक्शन पाइल जो होता है इसमें जो है इट ट्रांसफर लोड बाय स्किन फ्रिक्शन. ये जो है देखिए लोड का ट्रांसफर जो है फ्रिक्शन के द्वारा स्किन फ्रिक्शन के द्वारा करता है. देखिए जो पाइल है बात समझिए वो क्या होता है अर्थ से टच होता है. तो जो फ्रिक्शन होता है देखिए पाइल और अर्थ के बीच में जो फ्रिक्शन है तो उसी स्किन फ्रिक्शन के द्वारा जो लोड आ रहा है उसको ट्रांसफर करता है. चलिए ठीक है बियरिंग पाइल इट ट्रांसफर लोड बाई बियरिंग. ये जो है बियरिंग पाइल वे पाइल होते हैं जो लोड का ट्रांसफर जो है बियरिंग के द्वारा करते हैं. चलिए ठीक है
इसके बाद वियरिंग कम फ्रिक्शन पाई, बात समझिए। एक्चुअल में आप ये समझिए, ये जो वियरिंग पाइल है वह आपका जो लोड ट्रांसफर करता है वो इंड पोर्शन से करता है, समझिएगा। अब जो थर्ड टाइप का जो है बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल, इट ट्रांसफर लोड बाय स्किन फ्रिक्शन। देखिए बियरिंग कम फ्रिक्शन, इसका मतलब दोनों टाइप का ये फंक्शन करेगा, एक तो इसकी फ्रिक्शन से लोड ट्रांसफर करेगा और इंड बियरिंग से, इंड बियरिंग से लोड ट्रांसफर करता है। तो देखिए इसके बाद जो है अगला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मेथड, कंस्ट्रक्शन के मेथड के अनुसार जो पाइल होते हैं। तो देखिए ए है ड्राइवेन प्रीकास्ट पाइल, दूसरा ड्राइवेन कास्ट इन सीटू पाइल। देखिए ये जो है ड्राइवेन प्रीकास्ट पाइल है और ये है ड्राइवेन कास्ट इन सीटू पाइल। अच्छा बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल एंड कंपैक्ट पाइल। देखिए ये जो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर ये तीन तरह के पाइल आते हैं, फिर से सुन लीजिए, ड्राइवेन प्रीकास्ट पाइल, ड्राइवेन कास्ट इन सीटू पाइल, थर्ड जो है बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल एंड कंपैक्ट पाइल। देखिए जो थर्ड कैटेगरी का पाइल है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अनुसार जो पाइल है वो है देखिए टिम्बर पाइल, स्टील पाइल और आरसीसी पाइल। तो जनरली जो है आरसीसी पाइल का ही रेलवे ब्रिजेज में यूज होता है। ये जो है मैं बार बार आपसे कहूंगा कि जो जनरली जो है आरसीसी पाइल का ही रेलवे ब्रिजेज में यूज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाइल का लेंथ कितना हो, पाइल का लेंथ, अरे डेप्थ की बात हो रही है तो पाइल का लेंथ क्या होगा। तो देखिए कास्ट इन सीटू पाइल, मान लीजिए आपको कास्ट इन सीटू करना है, प्रीकास्ट नहीं, कास्ट इन सीटू मतलब साइट पर ही कास्टिंग करनी है, तो उस केस में जो है आप अपने डिजायर्ड लेंथ, डिजायर लेंथ का मतलब हो गया जो डिजाइन से कैलकुलेशन के अनुसार आया है डेप्थ और डाया डायमीटर, तो उसी के अनुसार जो है आप जो है डेप्थ जो है रखेंगे। मतलब इसमें साफ बात है कि कास्ट इन सीटू पाइल में जो है डिजायर्ड लेंथ, लेंथ जो होगा डिजायर्ड होगा और डिजायर्ड क्या है अकॉर्डिंग टू डिजाइन कैलकुलेशन, डिजाइन कैलकुलेशन के द्वारा जो भी डेप्थ डिसाइड हो गया उसको आपको प्रोवाइड करना होता है। बट देखिए द लेंथ ऑफ ड्राइवर पाइल, देखिए जो ड्राइवर पाइल होता है नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 25 to 30 meters, नॉर्मली 25 से 30 मीटर से ऊपर नहीं होते हैं। देखिए डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ ड्राइविंग इक्विपमेंट, जो ड्राइविंग इक्विपमेंट है, देखिए कास्ट इन सीटू पाइल को जो है बार बार मैं कह रहा हूं वहीं पर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है साइट पर ही, बट प्रीकास्ट जो पाइल होता है उनको जो है क्या किया जाता है पहले जो है उसका कंस्ट्रक्शन करके उसको ड्राइवेन किया जाता है, भाई उसको धंसाया जाता है, हिंदी में समझ में ठोस बात समझे कि उसको जो है जमीन में धंसाया जाता है। तो उसको जो है मान लीजिए धंसाने के लिए आपको क्या चाहिए, भाई ये जो ड्राइविंग इक्विपमेंट है उसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ ड्राइविंग जो इक्विपमेंट है ये जो है जनरली जो आपका ड्राइवर पाइल होता है ये 25 to 30 meters होता है। तो ये है
पाइप फाउंडेशन पर शॉर्ट नोट। देखिए वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है, अगले पार्ट में हम न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।